हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा घुमाने लेकर चलती हूँ सीपी। घर से जब निकली थी तो वेदर बहुत अच्छा था, जब उठी थी तो वेदर बहुत अच्छा था, और नहीं निकली नहीं थी, जब उठी थी और घर में जब मैं रेडी हो रही थी तो वेदर बहुत अच्छा था, और जब घर से निकली हूँ तो इतनी धूप हो गई है। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने इसलिए फुल स्लीव्स का पहन लिया और मैं जा रही हूँ सीपी। और सोनाली आ रही है, थोड़ा सा सीपी में घूमेंगे, हनुमान मंदिर चलेंगे और आपको भी अपने साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे इस ब्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से सोने के न्यू ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या ना, क्या ही बताऊँ आपको, मेरी जो है वीडियोस डिलीट हो गई फ़ोन की। गलती मेरी थी, इसलिए कहते हैं जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में वीडियो डिलीट कर दी, सोचा कि थोड़ा फ़ोन का स्टोरेज जो है खाली कर लूँगी। स्टोरेज खाली करने के चक्कर में हुआ क्या, इतनी सारी वीडियोस डिलीट हो गई। सोनाली का बर्थडे व्लॉग, मेरा बर्थडे व्लॉग, होली का व्लॉग, ये व्लॉग, वो व्लॉग, इतनी सारी क्लिप्स मुझसे सब डिलीट हो गई मुझसे। और सच बता रही हूँ, रोना आ रहा था मुझे, मेरी सारी की सारी मेहनत ख़राब हो गई। तो चलिए अब आप मिल लीजिए सोनाली से। सोनाली आ गई है और शादी के बाद अब उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ठीक है, लाइए लेमन मुझे तो पिला दे। लेमन नहीं है, फिर मलांजी है। मलांजी, हाँ। मलांजी कहते। सोनाली हाय तो कर दे सबको, सबने देखो बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन करी है शादी की। थैंक यू सो मच। दिखा अच्छी है, पता है मेरे सारे ब्लॉग्स डिलीट हो गए और कितना बुरा लग रहा है ना मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सोनाली के बर्थडे का ब्लॉग इतना अच्छा था ना, डिलीट हो गया, और ये मुझसे बहुत गुस्सा है क्योंकि मैंने इसको एक भी क्लिप शेयर नहीं की थी। मैंने कहा ब्लॉग जब बनाऊंगी तभी देखी हो, और ना इसने देखी ना मैंने ठीक से देखी और डिलीट हो गई। तो चलिए इस व्लॉग की बात कर ली जाए जो आज आप देख रहे हैं। इस व्लॉग में आप एक्सप्लोर करोगे सीपी को। सीपी की जनपथ मार्केट मैंने एक्सप्लोर की है, मैं हनुमान मंदिर गई थी वो भी एक्सप्लोर किया, दिल्ली कैफ़े हाउस गए वो भी एक्सप्लोर किया, आइसक्रीम की सॉफ्टी खाई वो भी एक्सप्लोर किया। तो बहुत कुछ एक्सप्लोर किया इस वीडियो में, तो बने रहो इस वीडियो में। बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर कर आई हूँ कनॉट प्लेस का। तो जो लोग भी सीपी की कनॉट प्लेस को देखना चाहते हैं, अभी वो इधर दिल्ली के बाहर रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं लेकिन दिल्ली की वो वाइब्स लेना चाहते हैं, दिल्ली का वो क्राउड देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप बिल्कुल बने रहिए। इस वीडियो में मेरे से जितना हो सका मैंने उतना आप लोगों के लिए एक्सप्लोर किया है दिल्ली को। और अभी पहले हम सबसे पहले गए हनुमान मंदिर, ये हनुमान मंदिर वाली रोड है। सबसे पहले आता है प्राचीन शिव मंदिर, शिव गौरी मंदिर कहते हैं शायद, और उसके बाद आते हैं हनुमान जी का मंदिर, और उसके बाद आगे थोड़ा चल के जाएंगे तो बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो इसी जो है रोड पर आपको मिलेंगे ये तीनों जगह हैं। और ये मैंने चाय वाले भैया को ज़ूम करके इसलिए लिया है बिकॉज़ मुझे उनकी कुल्लड़ वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, आप भी कभी जाओ तो ज़रूर पीना। आपने मेरे कई सारे ब्लॉग्स देखे होंगे हनुमान मंदिर के, और मैं बहुत फ्रिक्वेंटली भी यहाँ पर आती हूँ। इसका रीज़न यही है कि मैं देखिए मैं बहुत सारे भगवानों को मानती हूँ, मैं हर धर्म में बिलीव करती हूँ। मेरे लिए ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं मंदिर ही जाऊँगी, देखिए मैं गुरुद्वारा हो चाहे दरगाह हो मैं हर ईश्वर को मानती हूँ, और हर ईश्वर एक अपार शक्ति है और उनको बिल्कुल मानना चाहिए। और हम जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारी एज बढ़ती है, हम बहुत नए नए भगवानों के साथ, गुरुओं के साथ जुड़ते हैं अपनी लाइफ में। और मेरे को भी बहुत ये आशीर्वाद ही आप कह लीजिए भगवान जी का, कि नए नए भगवानों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मेरी लाइफ और बेटर से बेटर ही हो रही है। लेकिन अगर मैं हनुमान जी की बात करूँ तो बचपन से मैंने इनको माना है, तो इसलिए मैं इनको बहुत ही अपने करीब महसूस करती हूँ और मैं इनको बाबा बोलती हूँ, ये मेरे बाबा हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो मेरे बाबा ही मेरी प्रॉब्लम से, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बाहर निकालते हैं। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना मैं थोड़ा भी डाउन फील कर रही हूँ और लाइफ में कुछ ठीक से नहीं चल रहा, बड़ा ही लो फील कर रही हूँ और लगता है कि अब क्या करूँ, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बस मैं चली जाती हूँ उनके पास, उनसे मिलने, और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हर इंसान के जो है एक भगवान होते हैं जिसमें उनकी बहुत आस्था होती है, तो मेरे जो हैं वो मेरे बाबा हैं। और तो आप भी बाबा के दर्शन कर लीजिए, साथ में राम जी तो हैं ही, कृष्ण जी भी हैं और सारे ही भगवान जी इस मंदिर में। तो थोड़ा सा शूट करके उसके बाद मैं बस अपने ध्यान में विलीन हो गई यहाँ पर। ये
मंकी ना वो आइसक्रीम खा रहा था, तो मैंने इसको शूट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कितने प्यार से खा रहा था ना यार। सुना ली, इसने ना बच्चे की आइसक्रीम छीन ली, वो बच्चा रो रहा है, उसकी आइसक्रीम छीन ली। आइसक्रीम तो हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने इंडियन कॉफी हाउस, और सोनाली ने खाया है, मैंने ट्राई नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, दर्शन कर लिए बाबा के बहुत अच्छे से। तो चलो आज इंडियन कॉफी हाउस का डोसा खिलाते हैं। तो ये टेरेस है यहाँ का। सोनाली कैसा है ये? मैंने कहा था जगह थोड़ी सी अलग है। ये बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है ऐसा लग रहा है ना, इंडियन कॉफी हाउस ब्रिटिशर्स के टाइम का, ब्रिटिशर्स के टाइम का। चलो यहाँ से देखते हैं कैसा लग रहा है। बहुत पुरानी है। किटी ने मुझे बताया कि ये जो कैफे है ना शायद गवर्नमेंट का है, इसलिए शायद इसके प्राइसेस काफी कम थे। 85 की वेज चाउमीन थी पता है यहाँ पर आपको, आप यहाँ पर आके ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। तो स्पेशली ना मुझे यहाँ पर जो वेटर्स की जो ड्रेसेस थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने उनको शूट भी किया, और सच में लग रहा था हम दिल्ली में नहीं आउट ऑफ दिल्ली बैठे हुए हैं। मैं ना फर्स्ट टाइम ऐसे आई हूँ कैफे में ना, और ये ओल्ड हाउस काफ़ी ओल्ड बना हुआ है, खाली नहीं होता ब्रिटिशर्स के टाइम का ये, और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ना किटी के साथ आती हूँ ज़्यादातर ना, मैं किटी के साथ ही आती हूँ, मतलब अकेले कम आती हूँ, तो उस खाली के साथ आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी यूनिफॉर्म्स है ना बिल्कुल अलग है, वेटर्स की मैंने वेटर से भी शूट दिखाया है। मैं तो बोलती हूँ मेरे साथ भी आकर कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, हमेशा हमेशा जीजू के साथ जाने से तो बेटर ही है। हम आया करेंगे ऐसे, अभी हम दोस्त आए, मुझे पता है हम क्यों आए आज, क्योंकि उनको कुछ काम था। आई नो वेल यस यस। और कॉफी भी फेमस है, बट कॉफी भी नहीं पी रहे, मैं पीने का कॉफी बन रही है, हम सिर्फ डोसा डोसा ठीक है, माली को भूख नहीं है तो उसने भी बन डोसा। बाहर का थोड़ा सा हम व्यू लेते हैं, नीचे को तो सब दिख ही रहा है, वैसे बहुत डिफरेंट लग रहा है आज यहाँ पे आकर। ये सोनिया जी क्लोजअप देते हुए, और आज सोनाली वॉइस ओवर देते हुए पीछे से। कुछ डिफरेंट देखने, मैंने सोचा सोनिया जी बहुत बोलती है हेलो गाइस, तो मैंने सोचा जिसको प्लीज थोड़ा सा हम चेंज कर दें, हम थोड़ा सुन के भी बोर हो गए हैं। तो हमारा डोसा आ गया है, और सोनाली टेस्ट करके बताएगी कैसा है। चल सोनाली टेस्ट कर, पानी भी आ गया हमारा, प्यास लगी थी, मुझे तो पानी चाहिए था। हाँ सोनाली को भूख नहीं है। सो सोनिया इज गोना ट्राई दिस डोसा, सो लेट्स कैप्चर हर रिएक्शन। जंतर मंतर का ही डोसा ट्राई किया, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ डोसा, देखते हैं कैसा है। सांभर तो अच्छा लग रहा है, कंप्लेन नोट कर लिया हमने सोनिया जी की, बहुत डिमांडिंग हो रही है। मुझे अच्छा ही लग रहा है, सबके मुंह में पानी आना चाहिए ना। बिल्कुल आएगा। सोनिया जी डोसा की फैन है और मैं बर्गर की। हमारे सॉफ्टी बॉय आइसक्रीम, मैंने सोचा सोनी की जगह मैं थोड़ी सी कमेंट्री कर दूं, सोनी की कमेंट्री तो हम सभी ने सुनी है, तो देखते हैं। सोनिया सोनिया कौन सी सॉफ्टी खानी है आपको, विच वन यू गोना बाय? ओके सो शी वांट वनीला एंड चॉकलेट। एक
सो वी हैव सो मैनी ऑप्शन लाइक वनीला चॉकलेट एंड बटर स्कॉच. सो Try this. Is it yummy? Yes, McDonald's. McD. Soft serve. Okay. Fine. Mango, right? How is it? Khayegi loo aur. Achhi. तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जनपद की मार्केट, और इस मार्केट में होती है ढेर सारी बार्गेनिंग. तो अगर आपके बार्गेनिंग के स्किल्स अच्छे हैं ना, तो आप यहाँ से कम पैसों में खूब सारी शॉपिंग कर कर लेकर आओगे. अगर 500 रुपये बोलते हैं तो 150 रुपये बोलना, तो ये आपको 200 रुपये में दे देंगे. यहाँ पर ये वाला होता है, और ज्वेलरी बहुत मिलती है यहाँ पर, एसेसरीज बहुत मिलती है यहाँ पर गर्ल्स की. तो मैंने भी लिए अपने लिए, जो है इयररिंग्स लिए थे मैंने अपने लिए भी बाय किए थे. जीन्स वगैरह भी काफ़ी मिल रही थी. एक्चुअली जब मैं नैनीताल गई थी 2012 की बात है शायद, तो यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग की थी हमने, लेकिन मुझे यहाँ के कपड़ों की ना क्वालिटी समझ में नहीं आई, इसलिए मैं दोबारा कभी भी यहाँ से मैं गई नहीं शॉपिंग करने. तो आज भी ऐसा कुछ हमें शॉपिंग तो करना नहीं था, हम तो बस घूम ही रहे थे. तो बस थोड़ा सा घूमना था, एक्सप्लोर करना था, इसलिए हम लोग जनपद की मार्केट आ गए. बट अच्छा लग रहा था क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था, दिल्ली का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना था. तो बस इसीलिए घूमते फिरते रहे, थोड़ा इंजॉय करते रहे, खाते पीते रहे. और बहुत सारी एक्सेसरीज यहाँ पे थी, अगर गर्ल्स वगैरह को अपनी ज्वेलरी वगैरह लेने हैं ना, अगर नेक पीस वगैरह लेने हैं काफ़ी ट्रेंडी, और यू नो काफ़ी जो साड़ीज़ वगैरह पे अच्छे लगते हैं, तो आप यहाँ से नेक पीस वगैरह ले सकते हो. 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 से ज़्यादा प्राइसेस नहीं थे, रीजनेबल थे और काफ़ी अच्छे थे. मैंने किटी के लिए यहाँ से सॉक्स भी लिए. कितने का है ये? 350. 350 का है, कोई भी ले लो. ये अंकल बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, 350 रुपये पर आइटम प्राइस था, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी. अगर आप भी जो है पीतल के आइटम जो है लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं. आप अगर कपड़े वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले लें, लेकिन थोड़ी क्वालिटी वगैरह देख लें अच्छे से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा नहीं रहा कपड़ों को लेके यहाँ पर. खैर मैं कह नहीं सकती ज़्यादा क्योंकि मैंने एक ही बार बाय किया है, लेकिन काफ़ी लोग परचेजिंग कर रहे थे, तो कुछ अच्छा ही मिलता होगा तभी इतने लोग ले रहे थे यहाँ से. लेकिन बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा चलती है, तो आप बार्गेनिंग अच्छे से करना. बाकी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ मिल जाएगी इस मार्केट में आपको, एसेसरीज ज़्यादा मिलती है वैसे. उसके बाद हमने इस वाली लेन को भी है काफ़ी एक्सप्लोर किया था, सोनाली को एंकलेट्स वगैरह देखने थे तो वो भी देखे हमने, लेकिन मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगा तो मैंने उसको मना कर दिया. बाकी उसको हेयर बैंड्स वगैरह लेने थे तो वही वो देख रही थी. मैं तो जस्ट शूट कर रही थी, मुझे शूट करना अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कंजूस किस्म की हूँ मैं. और मेरे सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स जानते हैं कि मैं हूँ थोड़ी कंजूस. और हाँ भाई, तो इसमें हर्ज ही क्या है, महंगाई इतनी है, इतनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, तो थोड़ा आराम से खर्च करती हूँ, बहुत इजीली खर्च नहीं करती मैं. हाँ, लेकिन ज़रूरत के टाइम पे बिल्कुल खर्च करती हूँ, तब नहीं सोचती. और ये स्ट्रीट फूड थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है यहाँ पे, सोच रहे थे हम गोलगप्पे खा ले, लेकिन फिर सोचा यार पहले डोसा खा चुके हैं तो पता नहीं हाइजीन हो गया नहीं, तो फिर सोचा कि चलो मैगडी से ही थोड़ा खा ले, फिर मैगडी से खाया हमने. और वीडियो था जो कि हमसे डिलीट हो गया. ये कैसे लगा?